21 साल की बहू के साथ 65 साल के ससुर को रचानी पड़ी शादी। यह है वह होश उड़ा देने वाली वजह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर। विवाह, जिसे शादी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन जो उन लोगों के बीच, साथ ही उनके परिवार के बीच भी एक घनिष्ठ रिश्ता बनाता है, जिसमें बच्चे और बहुत से बूढ़े लोग मिलजुल कर इस शादी के विवाह को संपन्न करते हैं। लोग समधी भी बनते हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसकी जानकर लोग सब दंग है। बिहार के रहने वाले बुजुर्ग, जिसकी उम्र 65 साल की है, उस आदमी ने अपनी ही बहू की उम्र, जिसकी उम्र है 21 साल है, उसके साथ शादी रचा ली। आपको बता दिया, जानकारी बहुत ही हैरानी है। उसके पिता समान ससुर से शादी करने के लिए बहू भी ससुर को मना नहीं किया। विवाह में ऐसा क्या बाधा आ गई, ऐसी क्या वजह आ गई जिसकी वजह से बहू ने भी अपने ससुर से शादी कर ली। कोई भी लड़की इतने बुजुर्ग और आदमी से शादी कभी नहीं करेगी। ये बात है बिहार के समस्तीपुर जिले में रहने वाले 65 साल के रोशन लाल की। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे 21 साल की लड़की से शादी करनी पड़ी। सब इस शादी के बारे में सुनकर हैरान है और सवाल पूछने लगे हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जो ससुर को यह कदम उठाना पड़ा। जब लोगों ने रोशन लाल से सवाल पूछा और पूछना शुरू किया तो उन्होंने शादी को मजबूरी का नाम दिया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उन्हें यह कदम उठाना पड़ा, जब उनका लड़का भी शादी करने के लिए राजी था, फिर क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ा। दरअसल रोशन लाल के बेटे की शादी सपना नाम की लड़की से तय हुई थी। बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब रोशन लाल का बेटा मंडप से ही भाग निकला, क्योंकि उसका बेटा किसी और लड़की से प्यार करता था। वह रोशन लाल के डर से शादी करने के लिए तैयार हो गया, मगर शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाया और वहां से ही भाग गया। इस तरह से दुल्हन से अचानक भाग जाने से दोनों परिवारों की इज्जत पर आन पड़ी। अतः घर की इज्जत बचाने के लिए रोशन लाल ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपनी होने वाली बहू सपना के साथ 7 फेरे ले लिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।